बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया ब्यूटी टिप्स। तो क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, काफ़ी दिन तक मैं वीडियो नहीं लगा सकी, बस कुछ बिज़ी थी, कुछ प्रॉब्लम था। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपकी स्किन के लिए, आपके फेस को खूबसूरत बनाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि ईद आने वाली है और हमें खूबसूरत लगना है। ज़रूरी नहीं कि ईद पे आप खूबसूरत लगें, आपको ईद से हटके भी खूबसूरत लगना चाहिए। खूबसूरत स्किन हासिल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? अगर आपके फेस पे पिंपल हैं, आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं, दानों के निशान हैं, हल्के हल्के पैचेस हैं, ब्राउन स्किन है, ब्लैक स्किन है, ड्राई स्किन है, आज हम इन सब पे वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास है ये वाला ड्राई मिल्क पाउडर, हमें ये चाहिए। और ये देखिए, ये मेरे पास है दूध की मलाई, हमें ये चाहिए। मेरे पास है आलमंड ऑयल, हमें ये चाहिए। ये सब चीज़ें हमें चाहिए। और हमें चाहिए ये देखिए, ये है मेरे पास एलोवेरा जेल, हमें एलोवेरा जेल चाहिए। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि इन सब चीज़ों को ज़रा हटा देती हूँ साइड पे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने एक बॉल को लेना है। तो बॉल के अंदर हम ऐड करेंगे, ये देखिए, ये मेरे पास है ड्राई मिल्क, ठीक है, ड्राई मिल्क है ये पाउडर फॉर्म में। और ये देखिए, ये मेरे पास है दूध की मलाई, ये देखिए। तो दूध की मलाई आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट करती है, आपकी स्किन को यंग बनाती है, आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। वो कहते हैं ना, जिसे बेबी स्किन, आपकी स्किन होगी बेबी स्किन, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स, ये देखिए आलमंड ऑयल डाल दिया। ये आपकी स्किन को मॉइस्चर करेगा, आपकी स्किन के ऊपर जितनी ड्राइनेस है उसको ख़त्म करेगा, आपकी जो एजिंग शुरू हो जाती है, जो रिंकल आपके फेस पे आना शुरू हो जाते हैं, ये उसको रोकेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिक्स हमने कर दी हैं। और ये जो मेरे पास एलोवेरा है, अब आपने क्या करना है, अब आपने एलोवेरा लेना है फ्रेश वाला। सबसे पहले आपने इसको अपने फेस पे स्क्रब करना है। ये देखिए, इस तरह से इसका ऊपर से छिलका उतार दिया मैंने। तो अब ये देखिए, ये इसके अंदर इसका, ये देखिए आप, ये देखिए आप कितना जूस है इसके अंदर, ये देखिए। तो इसको आपने अपने फेस के ऊपर इस तरह से स्क्रबिंग करनी है, ये आप देखें, ठीक है। इस तरह से आपने इसको अपने फेस पे स्क्रब करना है 5 से 10 मिनट, और फिर आपने इसको अपने फेस पे लगे रहने देना है कोई 25 से 30 मिनट तक। 25 से 30 मिनट आपने इसे अपने फेस पे लगा के रखना है, और फेस को आपने ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और ठंडे पानी से वॉश कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है, ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हैं। तो ये हमारे पास है ड्राई मिल्क पाउडर है, हमारे पास ये मलाई है, दूध की मलाई, और मेरे पास है इसमें आलमंड ऑयल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अच्छी तरह से ये पेस्ट आप देख सकते हैं, ये तैयार हो चुका है, ये देखें। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो एलोवेरा को फेस पे लगा रखा था, आपने उसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इस वाले पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई करना है आधे घंटे के लिए। आधा घंटा आपने इसे लगा के छोड़ देना है, और उसके बाद आपने ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, आप यकीन करिए, जब आप फेस को वॉश करेंगे आपको यकीन नहीं आएगा, आपका इतना फेयर, खूबसूरत, वाइट, फ्रेश, सॉफ्ट फेस होगा, सॉफ्ट स्किन होगी, आपको यकीन नहीं आएगा। आपका फेस दानेदार होता है, खुरदरा होता है, इस वाले पेस्ट को लगाने से आपकी स्किन होगी सॉफ्ट, मुलायम, चमकदार। इसे आपने अप्लाई करना है वीक में 2 से 3 बार। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं कि आप इसे ज़्यादा नहीं लगा सकते, इसे आप वीक में 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ईद आने से पहले इसको लगाइए, और फिर देखिए कि ईद पे आपका फेयर कलर होगा, कितनी चमकदार और ब्राइट स्किन होगी, कि सब लोग आपको देखेंगे और आपकी तारीफ करेंगे कि आपने फेस पे क्या लगाया है। दूध की मलाई आपके फेस को यंग बनाती है, आपके रिंकल ख़त्म करती है,
आपके फेस पे ड्राइनेस को ख़त्म करती है। एलोवेरा में इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और आलमंड ऑयल आपकी स्किन को बनाता है यंग और खूबसूरत। तो इस तरह से ये पेस्ट अप्लाई करिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा मिला इसका रिज़ल्ट। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।